हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। पुलिस के मुताबिक देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 6 और शव बरामद किए गए हैं। पाल इलाके में मौजूद रिहायशी बिल्डिंग शनिवार दोपहर करीब 2:45 पर ढह गई थी। अधिकारी ने पहले बताया कि इमारत ढहने के तुरंत बाद एक महिला को बचा लिया गया, जबकि शनिवार रात को एक शख्स का शव निकाला गया था। पुलिस ने बाद में बताया कि मौके से 6 शव और निकाले गए हैं। सूरत पुलिस के आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने शनिवार को बताया कि बिल्डिंग 2016-17 में बनी थी। बिल्डिंग में करीब 5 फ्लैट थे, जिनमें से ज्यादातर मजदूर इन फ्लैट्स में रहते थे। आप देख सकते हैं लगभग सारी जितनी लेटेस्ट मशीनें हैं और सारी एजेंसीज हैं, NDRF, SDRF, कॉर्पोरेशन की टीम, बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास अच्छे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिससे लोगों की जान बचाई सके, सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट और एक्सपर्ट लोग